आज हम बेहद स्वादिष्ट मूंग दाल का चीला, वो भी पनीर की स्टफिंग के साथ बनाने वाले हैं। मूंग दाल में आपको पता ही है प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू, मेरे कुकिंग चैनल अंजूज किचन ढाबा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज जो हम चीला बनाने वाले हैं ना, उसके लिए मैंने हाफ कप धुली हुई मूंग की दाल ले ली है। एक बॉल में से डालेंगे हाफ कप, उतना ही बराबर मात्रा में हाफ कप छिलके वाली मूंग की दाल। इसे अच्छे से धो करके हमें 5 से 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। और इसमें मैंने 2 चम्मच चावल भी मिक्स किया। इससे क्या होता है, जो चीला है वो करारे बनते हैं। कभी कभी बच्चों को क्या होता है, सॉफ्ट कम पसंद आते हैं, करारे चीले बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको करारे बनाने हैं तो आप इसमें 2 चम्मच चावल मिक्स कर दें। ये देखिए, 5 से 6 घंटे मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, भीगने के बाद दाल ऐसे हो जाएंगे। अब हमें इसका क्या करना है, पेस्ट बनाना है। दाल को अब हम पीसेंगे मिक्सी में। ये देखिए, इस तरीके से 5 से 6 घंटे जब आप इसको भिगोएंगे ना, तो ऐसे हो जाएगा। पीसते समय हम इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 2 पिंच हींग, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मिक्स करके इसे मिक्सी में पीसेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद ऐसे हो जाएगा, ये गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा। इसमें पानी ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। जब आप पीसें तो उसमें 1/4 कप ही पानी डालें, 1/2 छोटा चम्मच नमक, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे पतला बिल्कुल ना करें, पानी ज़्यादा डालकर बिल्कुल ना पीसें। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है, 1 फाइन चॉप किया हुआ अनियन, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया और 1 हरी मिर्च बारीक काट ली है। पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ये नाश्ता आप सुबह, शाम किसी भी टाइम बना सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी ये बहुत अच्छा लगता है, और शाम के इवनिंग में भी या रात के डिनर में भी कभी भी बना लो, बहुत ही बढ़िया लगता है। 1/4 छोटा चम्मच जीरा डालने के बाद उसे भुन जाएगा। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें अपना चॉप किया हुआ प्याज मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और इसे भुनेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना पड़ता है, बस ये गुलाबी हो जाए इतना ही भुनना होता है। प्याज को हल्का हमें भुनना है। प्याज को 1-2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें हरी मिर्च जो हमने बारीक काट कर रखी थी वो मिक्स कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर ही आप भुनें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना भुनें। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें इसमें भुनना नहीं है, गुलाबी ही रखना है। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे मिक्स करेंगे। मसालों को ज़्यादा नहीं भुनना है, और एकदम आँच स्लो रखनी है आपको गैस की, ताकि मसाले जले नहीं। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इसे भी डालकर हल्का मिक्स करेंगे। फिर पनीर को मैश करके इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से। फिर इसे भी 1 मिनट अच्छे से दबा दबा कर मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, बस ऐसे मिक्स करना है आपको अच्छे से। फिर इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे, इसे भी हल्का भुनेंगे ऐसे ही। इसे भी अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। नमक 1/2 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है मैंने। अब हम इसे पकने के लिए 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे ढक कर बस 1 से 2 मिनट पकाना है, है ना। इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता। अब ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 चम्मच डाल देंगे, और इसे ढक कर एकदम स्लो आंच पर हम इसे गैस पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। ये अच्छे से पक गया मसाला हमारा। ये देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई।
अब हम चटनी की तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च, 1/4 पुदीना, जितना धनिया लिया है उसका 1/4 पुदीना, 1 नींबू, धनिया मैंने 1 बंच ले लिया है, उसमें नींबू, अब मिक्सी में सबको डाल देंगे और उसमें जो नींबू लिया था ना उसे निचोड़ कर इसमें डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच नमक जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं ना सादा नमक वही, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्सी में पीस लेंगे। इस चटनी को आप बहुत दिनों तक स्टोर करके 1 महीने तक फ्रीजर में रख सकते हैं। 2 पिंच हींग, और फिर इसी चटनी को जैसे एक कटोरी दही है ना उसमें 1/2 छोटा चम्मच ये चटनी मिक्स करें, बहुत ही अच्छा रायता बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए पीसने के बाद ऐसी चटनी तैयार हो गई। इसे आप स्टोर करके महीने भर रख सकते हैं फ्रीज़र में और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चटनी जो मैंने पीसा था ना जार में वो उसमें है बचा हुआ लगभग 1/2 चम्मच, तो फिर 1 चम्मच मैंने इसमें ऊपर से चटनी डाल दिया है और इसके इसमें अब मैं 2 चम्मच भुना चना लूँगी, जो नारियल की चटनी के लिए आता है ना वही वाला भुना चना, 2 बड़े चम्मच, 4 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर 4 बड़े चम्मच, और चटनी जो है 1/2 चम्मच मैंने फिर से डाल दिया है थोड़ा सा नमक, 1/4 छोटा चम्मच, क्योंकि पहले से चटनी में नमक है। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। इस तरीके से चटनी तैयार हो गई जो मूंग दाल के चीले के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब हम चीला बनाते हैं। ये देखिए ये जो मैंने घोल तैयार किया था अब इससे हम चीला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन गैस पर रख दिया था, नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाता है, आयरन की तवे पे भी अच्छा बनता है पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, हो सकता है 1-2 चीला आपका ख़राब हो जाए, लेकिन नॉनस्टिक पैन में ये बहुत ही इजीली बन जाता है। इसमें ऑयल मैंने एक कॉटन के कपड़े से फैला दिया और ऊपर से एक इस तरीके से थोड़ा बैटर डाल करके इसे हल्के हाथों से बस गोल गोल हल्के हाथों से ऐसे घुमाइएगा, ईजिली बन जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए इस तरीके से बस, इसे ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट लगते हैं पकने में। अगर आपको सॉफ्ट चीला खाना है तो आप उसमें चावल ना मिलाएं, मेरे यहाँ करारे खाते हैं तो मैंने इसमें थोड़ा चावल मिक्स किया है। ये देखिए अब जब ये पक जाएगा 1-2 मिनट के बाद ऊपर से हम इसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल देंगे और जो अपनी स्टफिंग तैयार करी थी ना बस वो डाल देंगे। ये देखिए देख रहे हैं, देख के ही समझ में आ रहा है कितना टेस्टी चीला है। बस ये हमारा चीला बस तैयार हो गया है। इस तरीके से इसे फोल्ड करें दोनों तरफ से, इस तरीके से देखिए कितना अच्छा चीला बना है। ये देखिए बच्चे तो बस आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, यूँ दौड़े आ जाएंगे खाने के लिए। ये देखिए और इस नाश्ते में तो सेहत भी बहुत है। ये देखिए कितना बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो गया है मूंग दाल का चीला। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए चटनी में डिप करिए और बस मूंग दाल के चीले का मज़ा लीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना आपका मूंग दाल का चीला। बच्चों को मूंग दाल से बनी चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए क्योंकि इसमें पोषण भर भर के है, तो बच्चों को ये चीला जब आप बनाकर खिलाएंगे ना वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे, इतना टेस्टी लगता है।